स्वागत किया जा रहा है, आप लोग तालियां बजाएंगे स्वागत के लिए। पटेल साहब माला जी को माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। देखिए संत का सर्वं वशे
रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय मातन चोर। दो बार भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ अनुकंपा से अभिसंचित अभिरक्षित हो, हम ज्ञान यज्ञ का लाभ ले रहे हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सब में रमण करने वाले
गोविंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम। भगवती माँ जगदम्बा को वंदन करते हुए इस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया, मेरे परम प्रिय स्वामी राजा रामनंद जी महाराज, पधारे हुए सभी संत समाज, विद्वत जन, आचार्यगण और कल्याणपुर गांव की मेरी अपनी माताओं बहनों, सभी धर्मानुरागियों, मेरे पिताओं भाइयों, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है, लेकिन अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो देखा किसान मजदूर ये धूप में खेती कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, गर्मी उन्हें भी लग रही है लेकिन उसे वो सहन कर रहे हैं। सांसारिक लोग दुख सहन करते हैं बाहर के सुख के लिए और भक्त तथा संत दुख सहन करते हैं आंतरिक सुख के लिए। रामायण भगवान के रहने का स्थान है। भगवान श्री राम जो सब में रमण करता है उसे राम कहते हैं। सब में रमण करने से वे राम कहलाए, जो मुझ में भी रहते हैं, आप में भी रहते हैं, इस वृक्ष में भी रहते हैं, नदियों में रहते हैं, वृक्षों में रहते हैं, झरनों में रहते हैं, जो सब में रमण करता हो उसे कहते हैं राम। राम की शक्ति से ही सब कुछ संचालित हो रहा है। जैसे आंखों में जो देखने की शक्ति है वो राम है। राम को कैसे पहचानना? राम का अर्थ केवल यही नहीं है कि उन्होंने त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या के द्वारा जन्म लिया। राम का इतना ही अर्थ नहीं है कि वो एक मूर्ति में, एक मंदिर में रहते हैं। राम कहते हैं जो सब में रहते हैं। अहम आत्मा गुड़ाके सर्वभूता से स्थित, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतेव च। सब में रमण करता हो उसे कहते हैं राम। उस राम को कैसे पहचानोगे? तो जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं इसे आप समझते जाना। आंखों में देखने की जो शक्ति है वो शक्ति है राम। कानों में जो सुनने की शक्ति है वो शक्ति कहां से आई? वह शक्ति है राम। वाणी में जो बोलने की शक्ति है वह शक्ति है राम। हाथों में जो कर्म करने की शक्ति है वो शक्ति है राम। पांव से जो चलने की शक्ति है वो शक्ति है राम। आपने आंखें बनाई क्या? विचार करो, शरीर का कौन सा अंग आपने बनाया? ये आंखें आपने बनाई? ये कान आपने बनाए क्या? ये वाणी आपने बनाई क्या? हाथ पांव आपने बनाए क्या? आप लोग कहां बैठ करके सत्संग सुन रहे हो? पृथ्वी पर। ये पृथ्वी किसने बनाई? आपने बनाई? जल प्यास लगती है तो जल पीते हो। जल किसने बनाया? आपने? हमने बनाया क्या? वायु जिससे आप श्वास ले रहे हो वो वायु किसने बनाई? आपने? हमने बनाया क्या? अभी गर्मी चल रही है तो कूलर लगा दिया गया,
ताकि हवा लगती रहेगी तो गर्मी नहीं होगी। आप में से भी कोई ऐसे ऐसे हवा कर रहे हो ताकि हवा के प्रभाव से गर्मी का एहसास ना हो, तो ये सुख देने वाली हवा बनाई किसने? ये हमने आपने बनाई क्या हवा? बताओ आपने हमने बनाई क्या हवा? सूर्य, सूर्य के कारण से ही वर्षा होती है। यदि इतनी गर्मी ना हो तो वर्षा भी नहीं हो सकती। पहले भीषण गर्मी होती है, गर्मी से जो नदियों का, सरोवरों का, समुद्र का जल है वो जल ऊपर उठकर बादल बनता है, उससे वर्षा होती है। सूर्य के प्रकाश में बहुत से हानिकारक जीव ये मर जाते हैं। बाद में करना, बाद में करना, भजन के समय करना, लास्ट में करना, बाद में करना। यहाँ की परंपरा है बीच में माला पहनाने की, तो पूरा समय माला पहनने में ही बीत जाता है, कथा तो हो ही नहीं पाता। इसलिए या तो शुरू में पहनाओ या तो लास्ट में। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सूर्य के प्रकाश से आपको पता है बहुत सारे वो कीटाणु, जीवाणु, विषाणु मर जाते हैं जो हमारे शरीर में भयंकर बीमारियां पैदा करते हैं। अगर सूर्य न उगे, केवल 3-4 महीना सूर्य न उगे, तो पूरे संसार में महामारी फैल जाएगी, पूरे संसार में महामारी हो जाएगी। तो सूर्य किसने बनाया? हमने आपने तो बनाया नहीं। और देखो आप अपने घर में बल्ब जलाते हो तो बिजली का बिल भरना पड़ता है ना, और समय से यदि बिजली का बिल नहीं भरोगे तो बिजली विभाग वाले कनेक्शन काट देंगे। लेकिन सूर्य समय से उगते हैं और समय से अस्त होते हैं, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों साल से। आज तक किसी के घर बिल आया क्या सूर्य का कि हम तुम्हें प्रकाश देने देते हैं रोज? कभी सूर्य कहने आया क्या कि हमारा बिल दो? कभी कहने नहीं आया। तो सूर्य ने हमें दिया, पृथ्वी हमें देती है, जल हमें देता है, हमने बदले में इन्हें कुछ नहीं दिया। भगवान ने हमें इतना सब दिया, हमने बदले में भगवान को क्या दिया? आंखें हमने नहीं बनाई। अगर भगवान आंखों में देखने की शक्ति नहीं देते तो हम कैसे संसार देख पाते? हमने वाणी नहीं बनाई, हमने हाथ पांव नहीं बनाया। सब कुछ बनाकर इस संसार में किसने दिया? परमात्मा ने दिया। परमात्मा ने हम सभी को भेजा इस संसार में, तो हमारा क्या कर्तव्य है? जिसने हमें सब कुछ दिया उसे हम नित्य हृदय से याद तो करें, उसे स्मरण तो करें। जैसे आप अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हो, खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया, शादी विवाह कर दिया अपने बच्चे का, पढ़ लिख करके वो योग्य हो गया, अच्छा कमाने भी लगा, नौकरी धंधा करने लग गया। लेकिन यदि आपका बच्चा आपको आकर पूछे भी नहीं, आपको रोटी पानी ना दे, तो कैसा लगेगा? आपने उसके लिए इतना कष्ट सहा और आपका बेटा आपके पास बैठकर आपका हाल समाचार भी ना पूछे, आपसे दो मीठी बात ना करे, तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। हम सब किसकी संतान है? भगवान की संतान है। यदि हम सब रोज हृदय से उन्हें याद ना करें तो भगवान को कैसा लगेगा? इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, करते कर्म करे विधि नाना, करते कर्म करे विधि नाना, मन राखी जन कृपा निधाना, करते कर्म करे
दिया तुलसीदास जी ने, घर में कैसे रहना चाहिए, करते कर्म करे विधि नाना, तन से संसार के सारे काम करो, सुबह उठकर घर में झाड़ू पोछा करते हो वो करो, भोजन बनाते हो बनाओ, अपने गाय भैंस की सेवा करते हो वो करो, खेत में जाकर के किसानी करते हो वो करो, जो भी काम करते हो वो किससे करना है, तन से, लेकिन मन से तो नहीं करते ना, झाड़ू पोछा में मन तो लगता नहीं, झाड़ू पोछा तो शरीर से ही करते हो, तन से ही करते हो, खेती गृहस्थी तन से ही करते हो, मन तो खाली रहता है, और भगवान को तन नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए बोलो, भगवान को मन चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजानि प्रियोऽसि मे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुम मुझे अपना मन दे दो। संसार के लोग हमसे दो चीजें मांगते हैं, हमारा तन और धन। संसार के लोग हमारी दो चीजें देखते हैं, तन और धन। तन देखते हैं कि इसका तन कितना सुंदर है, और धन देखते हैं कि इसके पास धन कितना है, पैसा रुपया कितना है। अगर तुम तन से संसार के साथ न रहो और धन से साथ न रहो तो संसार के लोग तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। जैसे किसी के यहां विवाह है, कोई कार्यक्रम है, और तुम उसमें न जाओ तन से, तो लोग कहेंगे देखो हमारे कार्यक्रम में तो आया ही नहीं, हम क्यों उससे प्रेम रखें, हम क्यों उससे कोई रिश्ता रखें। और धन से यदि तुम किसी की सहायता ना करो, धन से साथ ना रहो, तो भी कहेगा कि इससे कोई काम तो हमारा बनता नहीं, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। संसार के लोगों को दो चीजें चाहिए हमसे, हमारा तन चाहिए और हमारा धन चाहिए, लेकिन भगवान को हमारा तन नहीं चाहिए, भगवान को हमारा धन नहीं चाहिए। भगवान न हमसे तन मांगते हैं न धन मांगते हैं, भगवान हमसे हमारा मन मांगते हैं। आप विचार करो, मंदिर में आप धन भी चढ़ाते हो तो धन भगवान अपने बैंक में जमा करते हैं क्या? धन तो भगवान लेते नहीं, हाँ धन में जो आपने भाव दिया है वो भाव भगवान लेते हैं, और धन धर्म में प्रयोग हो जाता है, धन से धर्म होता है, क्योंकि बिना धन के धर्म भी नहीं हो सकता है। यदि धन न हो तो ये टेंट कहां से लगेगा, साउंड कहां से लगेगा, आप लोगों की व्यवस्था कहां से होगी, मंदिर कैसे बनेगा। धर्म के लिए तो धन चाहिए, लेकिन वो धन भगवान को नहीं लेते ना, वो धन तो आपके ही काम आता है, मंदिर बनाते हो आपके काम आता है, कोई भी धर्म कर्म करते हो आपके काम आता है, भगवान तो नहीं लेते उसे। तो भगवान को हमारा धन नहीं चाहिए, भगवान को हमारा तन नहीं चाहिए, भगवान को केवल और केवल हमारा मन चाहिए। क्या चाहिए बोलो सभी, भगवान को क्या चाहिए, अभी सबकी आवाज नहीं आ रही, सब बोलो भगवान को क्या चाहिए, हमारा मन चाहिए। मन भगवान में लगा रहे, तन चाहे जहां रहे। मैं माताओं बहनों से सबसे पूछता हूं, आप घर में रोटी बनाती हो, चूल्हा करती हो, झाड़ू पोछा करती हो, घर के सारे काम काज करती हो, मन उस समय क्या सोचता है, उस समय मन क्या सोचता है, आज से ऐसा कर सकते हो, आप झाड़ू लगाते हुए भी मन से गाते रहो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
मन से आप ये गाते हुए रोटी बनाओ। इस गांव में एक बड़ी समस्या है जो बैठे हुए भाई लोग पूरा नहीं मानेंगे। सबसे ज्यादा समस्या किस बात की है? दारू। अभी हम लोग आ रहे थे तो एक किसी ने सुनाया, कोई पंडित गा रहा था कि दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया है। दारू तो बदनाम है, सारी दुनिया ही नशे में है। तो मैं अब तो सुने हैं कि पहले से कुछ कम हो गया है, लेकिन कुछ कम हुआ है। विचार करो, जितने भी भाई यहां पे बैठे हुए हैं, एक भी माता बहन दारू नहीं पीती। जितने पुरुष हैं वही दारू पीते हैं। अगर ये दारू पीकर के घर में आने लग जाए फिर क्या होगा? अगर घर की माताएं दारू पीने लग जाए फिर क्या हालत होगी घर की? इसलिए इन माताओं का सम्मान करना चाहिए। कौन ऐसी माँ होगी कि उसका बेटा, उसका भाई, उसका पति शराब पीकर आता होगा और उसको प्रसन्नता होती होगी? कोई ऐसी माँ है घर में, ऐसी बेटी है, ऐसी बहन है कि घर में कोई भाई, पिता, पुत्र दारू पीकर आए तो उसको प्रसन्नता होती हो? कौन ऐसी माँ बहन है जिसका दिल नहीं दुखता होगा? और याद रखना, जिस घर में पुरुष के कारण नारी का मन दुखता हो उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं रह सकती, उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती। और इसका एक परिणाम बताएं आपको, पहले आप सभी हाथ उठाइए कि बुरा नहीं मानेंगे, तब बोलेंगे। इधर पुरुष लोग भी बुरा नहीं मानेंगे, हाथ उठाओ तब बोलेंगे, ये बाद में तो नहीं बोलेंगे। आप लोग बताओ, बुरा नहीं मानोगे ना? अब विचार करो, पिछली बार मैं आया था तो सुना कि एक साल दो साल से लाइट ही नहीं थी पूरे गांव में, एक मत ही नहीं हो पाया। क्यों एक मत नहीं हो पाया? इसका एक ही कारण है, दारू। क्योंकि भागवत में ऐसा लिखा है, कलयुग कहां रहता है? द्युतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा अधर्मश चतुर्विधः। चार जगह कलयुग रहता है। पहला चुआ में, दूसरा पानम यानी शराब में, स्त्रियः पराई स्त्री में, सूना यानी लड़ाई झगड़े में, जहां छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा होता हो वहां कलयुग रहता है। जहां दारू पी जाती हो वहां कलयुग रहता है, जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग रहता है, और पराई स्त्री में कलयुग का वास रहता है। तो जब आप शराब पियोगे तो शास्त्र कहता है वहां कलयुग का प्रवेश होता है। जिस गांव में शराब पी जाती हो ज्यादा उस गांव में कलयुग का वास है, जिस घर में शराब पी जाती हो उस घर में कलयुग का वास है, और जहां कलयुग रहता है वहां कभी समृद्धि नहीं होती। चार चीजें जहां हैं उस गांव का कभी विकास नहीं हो सकता, उस घर का कभी विकास नहीं हो सकता, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता, ऐसा भागवत में कहते हैं। द्युतम पानम
स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः, जहां जुआ हो, जहां शराब हो, दूसरा जहां शराब हो, ये चार चीजें याद रखना, जहां ये चार चीजें रहती है वहां बरकत नहीं होती, उन्नति नहीं होती। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब हो, जहां पराई स्त्री के प्रति यानी माताओं बहनों का जहां सम्मान न होता हो, और जहां छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा होता हो रोज घर में गांव में, उस गांव की उस घर की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, उसकी वृद्धि नहीं हो सकती। द्युतम पानम स्त्रीह सुना यत्रा अधर्म चतुर्विध, इन चार जगहों पर कली वास करता है। यदि आप चाहते हो कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो, तो चार चीजों का त्याग कर देना, जुआ त्याग देना। कह मन कैसे लगाए, तो जुआ खेल के क्यों मन लगाते हो, बैठ करके कहीं घर में या किसी पीपल पेड़ के नीचे किसी मंदिर में राम नाम की माला फेरो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, अच्छे कामों में समय बिताओ, तुम्हारा जीवन भी सुधरेगा, मन भी सुधरेगा, घर परिवार भी सुधरेगा। बेटा अभी जल मत चला, जिसको प्यास लगे ना वो पीछे जाके पी लेना, इसको मना कर दिया, अभी तो नाश्ता कराया गया था सबको, इतनी जल्दी प्यास नहीं लगेगी। और हमारी माताएं बहनें बड़ी तपस्विनी है, ये व्रत उपवास करती है, बहुत जल छोड़ देंगी, फल छोड़ देंगी सब। तो जिसको ज्यादा प्यास लगे वो उठ करके पीछे जाकर के जल पी ले, ताकि बीच में कोई व्यवधान ना हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो चार चीजों का त्याग कर देना चाहिए। यदि आप गांव की समृद्धि चाहते हो, परिवार की समृद्धि चाहते हो, अपनी समृद्धि चाहते हो, पहला क्या त्यागना चाहिए? हाँ, ये बेटी सही बोल रही है, आप सब भी पहला त्यागना चाहिए जुआ, जुआ खेलना छोड़ दो, अपना समय किसमें बिताओ? रामायण पढ़ के बिताओ, गीता पढ़ के बिताओ, जप करके बिताओ। ये अपने मन में एक जुनून बनाओ कि हमको पूरे दिन में इतने माला जप करना है। जब काम धंधे से खेती गृहस्थी से समय बचे तो हमको इतना जप करना है, तो जप करके बिताओ, रामायण पढ़ के बिताओ। आप अपना समय जुआ खेलकर मत बिताओ, जुए का त्याग करो। यदि क्षेत्र का, गांव का, परिवार का विकास चाहते हो, द्युतम दूसरा पानम शराब का त्याग करो। शराब छूट सकती है लेकिन छोड़ना चाहो तो याद रखना, यदि आप शराब नहीं छोड़ना चाहते तो साक्षात भगवान भी उतर आए तो नहीं छुड़ा सकते, और यदि आप शराब छोड़ना चाहते हो तो थोड़े से प्रयास से छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले आपको लगना चाहिए कि हाँ मुझे शराब छोड़ना है, तो आप छोड़ सकते हो थोड़े से प्रयास। शराब का त्याग करने वाले के घर लक्ष्मी आती है, जिस गांव में जिस क्षेत्र में बहुत शराब है वहां पर लक्ष्मी रूठ जाती है, सारे देवता रूठ जाते हैं, सारी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां रूठ जाती हैं, इसलिए आपकी बरकत नहीं होती। और इसका एक उदाहरण दिया मैंने, 2-3 साल अंधेरे में रहे आप लोग बिना लाइट, इसका कारण क्या था? दारुई तो थी, विचार करके देखना इसका कारण क्या था। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो भागवत में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है, कि जहां भी शराब होगी उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, उस घर का विकास नहीं हो सकता। स्त्री जहां पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखी जाती है, वैसे इस मामले में तो मैं इस पूरे क्षेत्र की बड़ाई करता हूं, आपके इस क्षेत्र की इस मामले में तो मैं बड़ाई करता हूं कि आप कभी भी पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि नहीं रखते,
बहुत कम है गिनती के जो पराई स्त्री के प्यार के प्रति यानी माताओं बहनों के प्रति जो गलत दृष्टि रखते हो, ऐसे बहुत कम है बाकी जगह की अपेक्षा। यहाँ माताओं बहनों का बड़ा सम्मान करते हैं, मतलब दृष्टि से बड़ा सम्मान करते हैं, उन्हें बड़े आदर दृष्टि से देखते हैं। इस मामले में तो यह क्षेत्र बहुत अच्छा है। यहाँ अगर प्रेम विवाह होता है ना, तो लड़के लड़की ने यदि प्रेम विवाह कर लिया तो मेरे को पता चला ऐसा कि उसको घर वाले गोली मार देते हैं। कई जगह ऐसी घटना है कि तूने घर की मर्यादा और परिवार की नाक कटाकर ऐसा क्यों किया। और बात भी सही है, जीवन में शादी भाग कर नहीं बल्कि जाग कर करनी चाहिए, क्योंकि तो शादी ऐसा फैसला नहीं है कि 3 घंटे की फिल्म नहीं है कि खत्म हो जाएगी, पूरा जीवन बिताना है। इसलिए घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। तीसरा, कहां लक्ष्मी नहीं रहते कहां समृद्धि नहीं होती। जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस घर परिवार में नारी का सम्मान नहीं होता, वहां से लक्ष्मी चली जाती है, वहां से सुख शांति चली जाती है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां सारे देवता रहते हैं, वहां लक्ष्मी रहती है, वहां सारी शक्तियां रहती हैं। और नारी का सही सम्मान यही है कि आप ये संकल्प करो कि हम कभी भी अपनी माँ के पास, अपनी पत्नी के पास, अपनी बेटी के पास, अपनी बहन के पास शराब पीकर नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा सम्मान है उनके लिए। और ऐसा आप करके देखो आपके घर में, परिवार में, क्षेत्र में कितना उन्नति होता है, कितना विकास होता है। आप ये संकल्प करो कि हम अपने घर में किसी भी नारी को अपशब्द नहीं कहेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे अपनी पत्नी से, अपनी माँ से गाली गलौज नहीं करेंगे, नारी का हम अपशब्द कहकर के अपमान नहीं करेंगे। जहां नारी का सम्मान होगा वहां लक्ष्मी रहेगी, और जहां नारी का तिरस्कार किया जाएगा, जहां नारी का अपमान किया जाएगा, वहां से लक्ष्मी रूठ जाएगी। इसलिए हम सभी को अगर अपनी उन्नति चाहिए तो यह जरूर संकल्प करना चाहिए मन में कि हम घर में किसी भी नारी का तिरस्कार नहीं करेंगे, शराब पीकर नहीं आएंगे उनके पास। तो 3 चीजें त्यागनी होगी क्षेत्र के विकास के लिए, घर के विकास के लिए। द्योतम, पहला जुआ त्यागना पड़ेगा, उसकी जगह रामायण और माला हाथ में लेनी पड़ेगी। दूसरा शराब त्यागना होगा, उसकी जगह नशा करना है तो भक्ति का नशा करो, सेवा का नशा करो, शराब के नशे में क्या रखा। तीसरा स्त्री का अपमान छोड़ना पड़ेगा, और चौथा घर का कलह छोड़ना पड़ेगा। घर में अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं तो देखता हूं कि चारों के चूल्हे अलग अलग हैं और माता पिता के भी चूल्हे अलग हैं। यानी माँ अलग भोजन बना रही है, बूढ़ी है, बूढ़े माता पिता अलग भोजन बना रहे हैं, और बहू अलग भोजन बना रही है, बेटे अलग भोजन बना रहे हैं, है कि नहीं ऐसा? ये बहुत संख्या में है ऐसा। तो जिस घर में बहू में, सास में इतना मेल नहीं है कि एक साथ बैठकर खा भी सके, जिस घर में बहू अपने सास ससुर को प्रेम से जैसे भगवान को बैठाया जाता है, जैसे देवता को भोग लगाया जाता है, वैसे अपने सास ससुर को प्रेम से, आदर से भोग नहीं लगाती, उन्हें आदर से भोजन नहीं कराती, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं रहती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, उस घर का कभी विकास नहीं होता। जहां एक साथ बैठकर भोजन भी नहीं कर सकते, उस घर में विकास नहीं होता। ये भागवत का मंत्र है। द्योतम पानम स्त्रियः सोना यत्र अधर्म चतुर्विधः। शराब, जुआ स्त्री का अपमान और झगड़ा, जहां मनमुटाव हो, झगड़ा हो, ये 4 चीजें जहां पर भी रहती हैं
वहां पर कलयुग रहता, वहां लक्ष्मी नहीं रहती, वहां विकास नहीं होता। इसलिए इन चार चीजों का हमें आज ही त्याग कर देना चाहिए। यदि विकास चाहते हो तो, सुख चाहते हो तो अपना, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। इसलिए इन सब चीजों को छोड़कर जिस परमात्मा ने तुम्हें रहने के लिए पृथ्वी दिया, जिसने पीने के लिए जल दिया, जिसने श्वास लेने के लिए वायु दी, जिसने देखने के लिए आंखें दी, जिसने सुनने के लिए कान दिए, जिसने बोलने के लिए वाणी दी, जिसने इतने सुंदर अंग बनाए, जिस पर आप गर्व करते हो, उस भगवान को क्या दिया? तो आज से संकल्प करो कि हम शराब की जगह, पत्ते की जगह अब हाथों में भगवान के नाम की माला लेंगे। और बड़े भाव से कहो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। सभी गाइए, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 वो माला वो माला वो माला वो माला वो माला वो माला।
वाली माला सभी अपने हाथ में लो, अपने हृदय में लो और प्रतिक्षण जैसा कि मैंने कहा जीवन में आदत डालो। मेरी माताएं बहने बड़े ध्यान से सुने और इसको करें भी। कथा नहीं सुना रहे हैं आप लोगों को, जीवन में जो उतारना चाहिए जो जरूरी बातें हैं वो सुना रहे हैं। कथा सुनाने के लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए, पूरे 7 दिन 8 दिन 9 दिन हो, लेकिन हम आपको वो बातें बता रहे हैं जो जीवन में उतारने जैसी, जिनको सीखकर आप अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन में बदलाव लाओ। तो मैं अपनी माताओं बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आज से जब आप भोजन बनाने चलो तो इधर उधर की बातें सोचकर भोजन मत बनाना। क्या करते हुए भोजन बनाना? मन में भजन गाते हुए भोजन बनाना।
मेरी माताएं बहनें जो भोजन बनाती हैं, आज से एक आदत डाल मेरे कहने से, मैं आप लोगों को भागवत रामायण का सार सरल भाषा में बता रहा हूं, जो आप समझ सको, बहुत कठिन शब्दों में नहीं, बहुत जटिलता से नहीं, जो जीवन में उतार सको, सरल भाषा में समझ सको, वो सबका सार आपको बता रहे हैं। आप भोजन बनाते हो घर में, चूल्हा बर्तन करते हो, रोटी बनाते हो, उस समय मन में भगवान का जप करते हुए बनाना, या कोई भजन जो तुम्हें अच्छा लगता है भजन गाते हुए बनाना, कुछ नहीं है तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसा मन में गाते हुए या ऐसे गाते हुए तब भोजन बनाना। तो बताओ, जितने देर तक आप ऐसा करते हुए भोजन बनाओगे, भोजन बनाने में कितना समय लगता है बताओ? एक घंटा लगता है, डेढ़ घंटा लगता है? अगर एक डेढ़ घंटे आप जप करते हुए भजन गाते हुए भोजन बनाओगे, तो वो भोजन बनाना भी भजन बन जाएगा। उतने समय तक आपको भजन करने जैसा ही पुण्य मिलेगा, अलग से भजन नहीं करना पड़ेगा, उतने समय तक भजन करने के बराबर का ही पुण्य आपको मिलेगा। तो भोजन तो बनाना है, भोजन बनाना तो छोड़ना नहीं, लेकिन क्या आदत डालनी है? मनी राम यानी मन जो इधर उधर भाग रहे हैं, उनको इधर उधर से हटाकर जप करते हुए या भजन गाते हुए आपको भोजन बनाना है। आप झाड़ू लगा रहे हो, गाय भैंस की सेवा कर रहे हो, तो भी ये आदत डालो कि आप जप करते हुए कोई भजन गाते हुए ही झाड़ू पोछा करो, गाय भैंस की सेवा करो। ये आदत जीवन में डालना आज से। सभी ध्यान से सुन रहे हैं, केवल ये सुनने के लिए नहीं कह रहा, ये करने के लिए भी कह रहा हूं। इसको तुम 3 महीने 4 महीने 6 महीने करके तो देखो, ये अपने मन में आदत डाल के देखो कि हम कोई भी काम करते रहेंगे, भोजन जितने टाइम तक बनाएंगे या झाड़ू पोछा जितने समय तक करेंगे, घर के काम जितने समय तक करेंगे, मन में भजन गाते हुए या जप करते हुए करेंगे, आप देखो 6 महीने में आपके मन में कितनी शांति हो जाती है, आपके जीवन में कितनी उन्नति हो जाती है। जब आप हर क्षण भगवान का नाम लेते रहोगे, तो तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, राम नाम को कल्प तरु, यानी भगवान राम का नाम कल्प वृक्ष के जैसा, जो निरंतर खाते पीते सोते बैठते हर क्षण भगवान का स्मरण करता रहता है, भगवान नाम का जप करता रहता है, वो जो भी काम करने चलता है भगवान उसके काम को शुभ करते हैं, भगवान उसको उस कार्य में सफलता देते हैं। यदि आप चाहते हो कि हमारा हर कार्य जीवन में सफल हो, यदि आप चाहते हो कि हमारे हर कदम पर हमारे भगवान हमारे साथ हो, तो यह आदत जीवन में डालो। भोजन बनाते समय भगवान का स्मरण करते रहो, झाड़ू पोछा करते समय भगवान का स्मरण करते रहो। और यहाँ पर पुरुष भाई ये लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप जब खेती पर जाओ, ट्रैक्टर चलाओ, पावड़ा चलाओ, कोई भी घर के काम काज करो, उस समय आप शरीर से तो कर्म कर रहे हो, लेकिन मन से भगवान के नाम का जप करते रहो, यह आदत जीवन में डालो। एक कथा सुनाते हैं आपको कि भगवान के नाम के जप की कितनी महिमा है। पापी से पापी भी भगवान के नाम से कैसे पवित्र हो जाता है, इसकी एक बड़ी सुंदर कथा आती है। जैसे आपका गांव है, ध्यान से सुनना ये कहानी, मुली रामचंद्र भगवान की, जैसे गांव है ऐसे ही एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या रहती थी। कुछ समय के बाद उसे अपने ऊपर बड़ा पश्चाताप हुआ, ग्लानी हुई, मुझे ये वैश्यावृत्ति का कर्म छोड़ देना चाहिए और अब भगवान की शरण लेकर मुझे भजन करना चाहिए। वैश्या मन में विचार करने लगी कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। तो उसी गांव में एक संत रहते थे, बड़ा
नाम था उन संत का, बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, सिद्ध थे। तो वैश्या उनके पास जाने को तैयार हुई। तो आश्रम में जो रहने वाले भक्त लोग थे और गांव के लोग थे, उन्होंने संत से कहा, महाराज वो वैश्या आ रही है आपके पास आश्रम में, अगर ऐसी महिला घर में आई तो यह पूरा आश्रम अपवित्र हो जाएगा, उसको यहां आने नहीं देना है। तो संत ने कहा, अरे भाई संत के पास तो सभी आएंगे, अच्छे लोग भी संत के पास आएंगे, बुरे लोग भी संत के पास आएंगे, यदि कोई बुरा संत के पास आएगा तो उसमें सुधार होगा, उसको आने तो दो। वैसे आई, चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मैंने जीवन भर पाप किया, मैं वैश्या हूं तो वैश्या वृत्ति में मैं लिप्त रही, लेकिन अब मेरे मन में ऐसी इच्छा होती है कि मैं पाप छोड़कर भजन में लग जाऊं। आप परम सिद्ध संत हैं, आप मुझे गुरु दीक्षा देंगे क्या? आप मुझे भगवान का नाम बता दो, मुझे गुरु दीक्षा दे दो, मैं उस नाम का जप करते हुए अपना उद्धार कर लूंगी। संत ने कहा, बेटी मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। क्या शर्त है गुरुजी? संत ने एक पिंजरे में लकड़ी का तोता दिया। कैसा तोता? कैसा? लकड़ी का, असली तोता नहीं, काठ का तोता, लकड़ी का तोता। वैश्या को पकड़ाया और कहा, इसे तुम अपने घर ले जा, जब ये तोता राम 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 बोलने लगेगा तब मेरे पास आना, फिर मैं तुझे गुरु दीक्षा दूंगा, भगवान का नाम दूंगा। बड़ी कठिन शर्त थी, तोता कौन सा था? लकड़ी का, कोई असली तोता तो था नहीं, असली तोते को तो सिखा पढ़ा करके राम राम बुलवा भी लो, अब लकड़ी के तोते को कैसे राम राम बुलाना सिखा। लेकिन वैश्या को अपने गुरु के वचन में बड़ा विश्वास था। गुरु जी ने कहा है तो मुझे वो करना है। वो लकड़ी का तोता लेकर पिंजरे में गुरु जी को प्रणाम किया और चली। जब वहां से चली गई तो लोगों ने कहा, गुरु जी आपने तो बड़ा अच्छा रास्ता निकाला, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, न तो वो लकड़ी का तोता राम राम कहेगा, न तो वैश्या दोबारा आएगी और न तो आप उसे गुरु दीक्षा दोगे। अच्छा पीछा छुड़ाया आपने उससे, अगर आपने आज उसे नाम दे दिया होता तो वो रोज रोज आती, लेकिन आपने उसे लकड़ी का तोता दिया और कहा जब ये राम राम बोलने लगे तब मेरे पास आना, न तो वो लकड़ी का तोता राम राम कहेगा और न तो वो दोबारा आएगी। आपने बहुत अच्छा उपाय निकाला उसको भगाने का, लेकिन वैश्या के मन में ऐसा नहीं था। वैश्या के मन में क्या था? गुरु जी ने कहा है, गुरु के वचन प्रतीति न देहि, गुरु के वचन प्रतीति न देहि, सपने हो सुख सिद्धि सुगम देहि, सपने हो सुख सिद्धि सुगम देहि, सपने हो सुख सिद्धि सुगम देहि, सपने हो सुख सिद्धि सुगम। रामायण में लिखा है, गुरु के वचन प्रतीति न जेही, जिसको गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, कोई गुरु कोई संत कुछ कह रहे हैं उस पर जिसको विश्वास नहीं है, उसको सपने में भी सुख सिद्धि समृद्धि नहीं मिलती है। सपने हो सुख सिद्धि सुगम न तेही, ऐसा रामायण में लिखा है। वैश्या थी वैश्या, पापिनी थी, पाप में लिप्त रहती थी, लेकिन उसको गुरुजी के वचन पे बड़ा भरोसा था, बड़ा विश्वास था। गुरुजी ने कहा है,
कि तू तोते से कहे कि तोता राम राम बोलो, तो एक दिन जब लकड़ी का तोता राम राम बोलने लग जाए तब मेरे पास लेकर आना। तो उस मन में सोचती है गुरुजी ने कहा है कि तोता राम राम बोलेगा तो जरूर बोलेगा। लोग भले कहते हो कि लकड़ी का तोता राम राम नहीं बोलता, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि लकड़ी का तोता एक दिन राम राम बोलेगा तब तू मेरे पास आना, तो ये जरूर एक दिन राम राम बोलेगा। तोते को लेकर आई, एक सुंदर सा उसने आलमारी में सजावट किया, उसमें तोते को विराजमान कर दिया, तोते को बैठा दिया। अब सुबह उठती थी, तोते को भी अच्छा नहलाती थी दूध से, गुलाब जल से, फिर उसको पोछती थी, फिर उसका श्रृंगार करती थी, और क्या कहती थी, स्नान करके उसे कहती थी, देख मैंने तुझे दूध से स्नान कराया, मैंने तुझे इत्र से स्नान कराया, मैंने तुझे गुलाब जल से स्नान कराया, तोता बोलो राम राम। क्या कहती थी, तोता बोलो राम राम। लेकिन लकड़ी का तोता कैसे राम राम बोले, उसने नहीं बोला राम राम। फिर उसको कहा अच्छा तुझे भूख लगी है, उसके लिए मिर्ची ले आई, तोते को मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, मिर्ची खिलाए, उसके सामने रख दिया, तोता मिर्ची खा ले, बोलो राम राम। फिर भी उसने राम राम नहीं कहा। फिर उसके लिए लड्डू ले आई, मालपुए ले आई, खीर ले आई, सब उसके सामने परोस दिया, तोता इसको खा लो, बोलो राम राम। जब तक तुम राम राम नहीं बोलोगे तब तक गुरुजी मुझे दीक्षा नहीं देंगे, मुझे भगवान का नाम नहीं बताएंगे, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। अब तोता कैसे राम राम बोले। अब वैश्या का क्या काम था, जब उसके घर ग्राहक आते थे तो नाच कर गाकर उन्हें रिझाती थी, अब वही काम करने लगी उस तोते के लिए, तोते के सामने गाती नाचती और कहती तोता तुझे मेरा गाना अच्छा लगा, तुझे मेरा नाचना अच्छा लगा, अब बोलो राम राम। तोता फिर भी राम राम ना बोले। उसे बहुत प्रयास किया, 3 साल बीत गए, लोग कहते थे तू पागल है, लकड़ी का तोता कभी राम बोल सकता है क्या, वो तो तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने संत ने ऐसा किया, तू दोबारा उनके पास न जाए, तेरे से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने लकड़ी का तोता दे दिया, ये कभी राम राम बोलेगा, तू भी कैसी बावरी है पागल है। लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं है, तो हमेशा 24 घंटे यही बोलती रहती थी, तोता बोल राम राम, तोता बोलो राम राम। तो उसके मुख से राम 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 हमेशा निकलता रहता था। जब 3 साल बीत गए तो एक दिन उसने कहा मैं तुझे 3 साल से मना रही हूं तू राम राम नहीं बोलता, आज मैं अन्न जल छोड़ती हूं, आज से मैं ना कुछ खाऊंगी न पीऊंगी, जब तक तू राम राम नहीं बोलेगा तब तक मैं अन्न का एक दाना भी नहीं लूंगी और जल की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। तोते के सामने उसने अन्न जल सब छोड़कर अनशन कर दिया, उसके सामने बैठ गए। कितने दिन अन्न के बिना जल के बिना रहे, धीरे 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 बेहोश होने लगे भूख से प्यास से, और यही कहती रहती तोता तुझे मुझ पर दया नहीं आती, देख भूख के कारण मैं बेहोश हो रही हूं, मुझे प्यास लगी, एक बार राम राम बोल देना। ऐसे करते करते जब बेहोश होने लगी, आंखें बंद होने लगी, तभी अचानक उसके कानों में शब्द सुनाई पड़ा, तोता बोलने लगा राम 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 राम। उसने जैसे ही सुना, अभी बेहोश हो रही थी, अभी मानो उसके पूरे अंग में एक बिजली दौड़ गई, आंखों में चमक आ गया, उठी, तोता तुमने राम राम बोला, तुमने राम राम कहा, अब गुरुजी मुझे अपना बना लेंगे, अब गुरुजी मुझे भगवान का नाम सिखा देंगे, अब मुझे ज्ञान दे देंगे। वो दौड़ी दौड़ी आई तोते को लेकर, लोगों ने फिर गुरुजी से कहा गुरुजी वो तो फिरा रही है, कोई ऐसा उपाय करो कि वो ना आए। गुरुजी ने कहा उसे आने तो दो, आई, चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुजी अब मुझे दीक्षा दे दो, मुझे भगवान का नाम बता दो, मैं उसका नाम जप करते 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 करते
अपना उद्धार कर लो। तो गुरुजी ने कहा मैंने जो शर्त तेरे सामने रखी थी वो शर्त पूरी हो गई। हाँ गुरुजी पूरी हो गई। क्या क्या कह रही हो? तोता राम राम बोलने लगा। हाँ गुरुजी तोता राम राम कहने लगा। हम सुनाओ सभी को। उसने तोते को रख दिया और कहा तोता अब तो मेरी इज्जत का सवाल है, इतनी जनता जुड़ी हुई है और गुरुजी के सामने भी तुम्हें आज बोलना पड़ेगा। अगर आज तुमने नहीं बोला तो जनता के सामने मेरी हंसी हो जाएगी। आज तुमने नहीं बोला तो या तो गुरुजी मुझे अपना बनाएंगे और तुमने नहीं बोला तो मैं सबके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। उसने विश्वास बड़ी शक्ति होती है। विश्वास है तभी तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। याद रखिएगा अगर आपके भीतर विश्वास है भक्ति है तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं और विश्वास नहीं है भक्ति नहीं है तो भगवान भी पत्थर बन जाते हैं। बिना भक्ति के बिना विश्वास के भगवान भी आपके लिए पत्थर बन जाते हैं, उनको दया नहीं आती। और विश्वास है भक्ति है तो पत्थर भी आपके लिए भगवान बन जाते हैं। पत्थर से खंभे से ही तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। दूसरों के लिए तो वो पत्थर था लेकिन प्रहलाद के लिए उसी खंभे से भगवान प्रकट हो गए। भक्ति और विश्वास के कारण से ही तो भगवान द्रौपदी की साड़ी बन गए। दूसरों के लिए वो साड़ी थी लेकिन द्रौपदी के लिए साड़ी नहीं भगवान ही थे जो साड़ी बनकर के लाज बचा रहे थे। भक्ति हो विश्वास हो तो हर कण में परमात्मा है। भक्ति ना हो विश्वास ना हो तो कहीं भगवान नहीं। भगवान भी सामने आ जाए तो तुम भगवान को भगवान नहीं मानो बिना भक्ति के। उस वैश्या के मन में बड़ा विश्वास था, बड़ी भक्ति थी और 3 साल जो वो हमेशा कहती रहती थी तोता बोलो राम 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 राम। 3 साल 24 घंटे उसने यही जप किया तोता बोलो राम 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 राम। उसके सारे पाप भूल चुके थे और उसमें ऐसी शक्ति आ गई उस विश्वास से उस भक्ति से कि जब उसने पूरी जनता के सामने तोते से कहा तोता बोलो राम राम तो सबके सामने वो लकड़ी का तोता बोल उठा राम 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 राम। अभी जो लोग ये कह रहे थे कि इसको आश्रम में आने मत दो, ये वैश्या यदि आश्रम में आ गई तो पूरे आश्रम को धोना पड़ेगा, आश्रम अपवित्र हो जाएगा, वो सारे लोग वैश्या के चरणों में गिर करके उसके पांव पकड़ने लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो नाम की कितनी शक्ति है, नाम की कितनी महिमा है कि स्वयं एक वैश्या 3 साल तक उसने जप किया बड़े प्रेम से विश्वास से, केवल तोता बोलो राम राम कहती रही तो उसका उद्धार हो गया और लकड़ी का तोता भी राम राम बोलने लग गया उसकी भक्ति की शक्ति से। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार ये कह रहा हूं कलयुग में नाम की महिमा सबसे अधिक बताई गई है, ये आप सभी जानते हो पढ़ते हो रामायण में। कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा, यानी कलयुग केवल नाम का आधार है। तो इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूं अपने जीवन में आदत डालो, खेती करो गृहस्थी करो झाड़ू पोछा करो भोजन बनाओ लेकिन हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहो। ये अपने जीवन में एक आदत डालो। मन राखे जहां कृपा निदाना, तन से चाहे भले संसार में रहो, धन चाहे भले संसार में लगाओ लेकिन मन को केवल भगवान में लगाना। तन और धन संसार में लगा देना लेकिन मन को केवल भगवान में लगाना, मन को संसार में मत लगाना। तन संसार में लगाने के लिए है, धन संसार में लगाने के लिए, मन संसार में लगाने के लिए नहीं है, मन को केवल भगवान में लगाने के लिए है। इसलिए मन से अखंड भगवान के नाम का जप करते रहना, उनका स्मरण करते रहना। फालतू की बातें मन सोचे उससे अच्छा है रोटी बनती रहे भगवान का भजन भी चलता रहे, कोई भी काम होता रहे भगवान का भजन चलता रहे। ये आदत अपने जीवन में डालो तो क्या बुराई है, इसमें तुमको काम भी नहीं छोड़ना है, अलग से कुछ करना भी नहीं है। ये सुनिए ही नहीं, ये आप सभी कर भी देखिए।
बहुत भक्तों ने इससे बहुत कुछ पाया है, आपको भी मिलेगा, आप भी पाओगे। तो इसलिए भगवान से ये भी कहना है, प्रभु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी हो, तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही पतवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार भगवान के भरोसे कौन कौन है तो बड़े भाव से कहा, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
तुमको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया, तुमको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। पूरा परिवार मेरा, मन राखी जहां कृपा निधाना। आप हाथों से सारे कर्म करिए, शरीर से संसार में रहो, संसार के सारे कर्म करो, लेकिन मन से सदा भगवान का जप करते रहो। मन से भगवान को मत भूलो।
एक आपको छोटी सी कहानी और सुनाते हैं। जो लोग ये कुछ लोग ये बहाना बनाते हैं, उनको कहो कि भैया तुम ताश छोड़ करके थोड़ा रामायण पढ़ लो, जब कर लो, जिस हाथ से ताश खेलते हो उसी हाथ से जप भी कर सकते हो, हाथ कोई दूसरा नहीं आता जप के लिए। ऐसा तो नहीं होता ना कि ताश खेलने के लिए या बुरे काम करने के लिए ये हाथ रहता है, और जब पूजा करने चलते हो, आरती करने चलते हो, हाथ जोड़ने चलते हो तो दो हाथ दूसरा निकल जाता है, ऐसा होता है क्या? हाथ तो वही है, इन हाथों से चाहे ताश खेल लो, चाहे जुआ खेल लो, चाहे जो, और चाहे इन्हीं सात हाथों से संतों की, माता पिता की, सास ससुर की, बड़ों की, गाय की, भगवान की सेवा कर लो, चाहे उन्हीं हाथों से जप कर लो, ये तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करते हो। भगवान ने हमें दिया है, अब हमें करना क्या है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो कुछ लोग ये बहाना बनाते हैं कि महाराज हमारे पास तो समय नहीं रहता। मैं कहता हूं कि भजन करने के लिए अलग से समय नहीं निकालना है। आज मैंने आप लोगों को यही तो बताया, भजन करने के लिए अलग से समय नहीं निकालना, जो काम कर रहे हो मन भगवान में लगाते हुए करना, जप करते हुए, भजन गाते हुए, मन भगवान में लगा रहे और वही काम करते रहो। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। किसान की कहानी है। एक भक्त हुए हैं किसान परिवार में, जैसे आप लोग कितने परिश्रम से धूप में खेती करते हो, ऐसे ही किसान परिवार के एक बड़े भक्त हुए जिनका नाम था धन्ना जाट। क्या नाम था? बोलो और जोर से बोलो, याद रख लेना ये नाम, धन्ना जाट। वो किसान बेटे थे, जब छोटे थे, जैसे आपके गांव में संत महात्मा आ रहे हैं अभी कथा चल रही है, तो ऐसे ही वहां संत आते रहते थे। धन्ना जाट जब छोटे थे तो उन्होंने देखा कि संत भगवान आए, उन्होंने अपनी झोली में से एक टोकरी निकाली, उसमें से शालिग्राम भगवान निकाले, शालिग्राम भगवान को सुंदर आसन में विराजमान कर दिया। आसन पर विराजमान करके शालिग्राम भगवान को फिर उठाया, उठाकर भगवान को पहले क्या करते हैं, अच्छे से स्नान कराते हैं। तो संत ने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, स्नान करा के फिर सिंहासन में बैठा दिया, फिर झोली में से चंदन निकाला, रोली निकाली, चंदन रोली का टीका शालिग्राम भगवान को लगाया, फिर उन पर तुलसी दल चढ़ाया, सुंदर सुंदर फूल लाकर के भगवान के ऊपर समर्पित किया, भगवान को चढ़ाया। शालिग्राम भगवान को फलों का, मिठाइयों का भोग लगाया। धन्ना जाट जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ऐसे छोटे थे, वो ये सब देख रहे थे। जब संत जाने लगे तो वो बच्चा रोने लगा और कहने लगा, महाराज आप किसकी पूजा कर रहे थे? संत ने कहा, मैं ठाकुर जी की पूजा कर रहा था, ठाकुर जी की सेवा कर रहा था। बोले, अपना वो ठाकुर जी मुझे दे दो। संत ने जब बच्चे का भाव देखा तो उनके पास एक और ठाकुर जी थे, शालिग्राम पत्थर था, वो दे दिया। धन्ना जाट खेत पर ले आए, जैसे पीपल का, ये बरगद का वृक्ष है, पीपल भी है इसी में, तो ऐसे ही एक पीपल का वृक्ष था। पीपल वृक्ष के नीचे भगवान को ईंट का और मिट्टी का घर बना करके, जैसे बच्चे बनाते हैं, उसमें शालिग्राम भगवान को विराजमान कर दिया। अब सेवा करने लगा, कैसे सेवा करता है? पहले सोचता है कि संत ने कैसे सेवा की, तो पहले भगवान को स्नान कराया था, उसने ठाकुर जी को उठाया और पहले बड़े प्यार से स्नान कराया। स्नान कराने के पश्चात फिर उन्हें विराजमान किया, फिर उसने सोचा, संत क्या कर रहे थे? भगवान को स्नान करने के बाद संत ने भगवान को चंदन और रोली का तिलक लगाया था। अब उसने सोचा, मेरे पास तो कोई चंदन है नहीं, तिल रोली है नहीं, तो मैं क्या करूं? उसने खेत की मिट्टी उठाई,
मिट्टी को पानी से गीला कर दिया और उसी का चंदन भगवान को लगा दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। फिर विचार करने लगा कि भगवान को चंदन लगा करके संत ने क्या किया था, तो इनके ऊपर कुछ पत्ते चढ़ाए थे, वो क्या था, तुलसी दल। अब उस बालक को क्या पता तुलसी दल क्या होता है, उसको लगा कि कुछ पत्ते चढ़ाए थे जो आसपास झाड़ियां थी, जैसे यार नीम है ऐसे पत्ते को तोड़ करके ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा दिया। फिर ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाना था, अब उसके पास कुछ था नहीं, वो गया घर दौड़े दौड़े और माँ से कहा, माँ घर में क्या बनाया है। माँ ने कहा, बेटा बाजरे की रोटी बनाई है। उसने कहा, माँ मुझे रोटी दे दे, मैं खेत पर जाकर खा लूंगा। माँ ने कपड़े में बांध करके गरम गरम बाजरे की रोटी दे दी। वो लेकर आया बालक, शालिग्राम भगवान के सामने रोटी परोस दी और कहने लगा, हे प्रभु आइए और आकर बाजरे की रोटी का भोग लगाइए। प्रभु आइए आकर बाजरे की रोटी का भोग लगाइए। बहुत देर तक कहता रहा, लेकिन भगवान तो पूरे दिन नहीं आए। उसने भी मन में ये ठान लिया कि जब तक भगवान नहीं आकर भोग लगाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। उसने मन में कहा, अच्छा लगता है मैंने साथ में जल नहीं रखा, पानी नहीं रखा, इसलिए आप नहीं खा रहे हो। दौड़ कर गया, एक तालाब था, तालाब से जल निकाल कर ले आया और ठाकुर जी के सामने रख दिया। बोला, ठाकुर जी अब तो ठंडा ठंडा जल ले आए और गरम गरम बाजरे की रोटी, अब तो खा लीजिए, अब तो भोग लगा लीजिए। भगवान ने नहीं खाया, पूरे दिन वो भगवान को मनाता रहा, भगवान ने नहीं खाया, वो भी भूखा रहा। तब उसने बाजरे की रोटी उठाई और उठाकर जंगल में फेंक दी। बोले, आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। अगले दिन फिर भगवान को नहलाया, भगवान को तिलक लगाया मिट्टी का, भगवान को पत्ते चढ़ा दिए। अब भोग लगाने का समय आया, फिर माँ के पास गया, बाजरे की रोटी मांग कर ले आया, फिर भगवान के सामने अर्पण कर दिया, प्रभु भोग लगाइए। अब भी भगवान ने भोग नहीं लगाया। एक दिन उसने संकल्प कर लिया, आज यदि आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, आपके सामने अपना सर पटक पटक कर सिर फोड़ लूंगा। भगवान के सामने उसने रोटियां रख दी और पत्थर पर अपना सिर पटकने लगा। भगवान ने देखा, इस बालक को मुझ पर बड़ा विश्वास है। भगवान उसी समय प्रकट हो गए और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी का भोग लगाने लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। देखो भगवान की ये महिमा है। वो छोटा सा बालक, उसको कितना विश्वास था, उसने गरम गरम रोटी भगवान को भोग लगाई और भगवान ने भी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उसका भोग लगाया। उसको कुछ नहीं पता था चंदन कैसे लगाते, तो मिट्टी का ही चंदन लगा देता था, तुलसी पत्ता क्या होता है ये नहीं पता था, तो झाड़ उखाड़ करके वही भगवान को चढ़ा देता था। और उसका विश्वास इतना था कि भगवान ने प्रकट होकर के उसे बाजरे की रोटी का भोग लगाया। अब जब वो बड़ा हो गया, एक घटना और घटी उनके जीवन में धन्ना जाट की। जैसे गेहूं कट गए आपके, अभी खेती की थी आप लोगों ने गेहूं की, ऐसे ही जब गेहूं की बुआई का समय आया तो पिता ने अपने बेटे को यानी धन्ना जाट को कहा, ये बीज ले जाओ गेहूं का और खेत में बो देना। वो बोरे में कट्टे में गेहूं लेकर जाने लगे तो देखा कि सामने से संतों की मंडली आ रही है, ढेर सारे संत महात्मा चले आ रहे हैं। तो संतों ने कहा, बेटा हमें भूख लगी, हमें कुछ भिक्षा दो, हमें कुछ भिक्षा दो, ऐसे मांगने लगे। तो जो बीज ले गया था खेत में बोने के लिए गेहूं का, वो सारा बीज उसने संतों को दे दिया। जब सारा बीज खत्म हो गया तो उसने सोचा, बीज तो है नहीं, अब क्या जवाब दूंगा पिताजी को। उसने बिना बीज के ही खेत की जुताई कर दी, जुताई तो कर दी खेत की, लेकिन अब बीज तो संतों को दे दिया था, बीज नहीं बोया। वापस आया, पिता ने पूछा, बेटा बीज बो दिए खेत में,
जुताई कर दी? बोले हाँ पिताजी। पिताजी डांटेंगे इसलिए नहीं बोला। अब भगवान की महिमा देखो, थोड़े दिनों बाद जब सबकी फसल तैयार होने लगी, बिना बीज के जुताई की थी, लेकिन धन्ना जाट के खेत में सबसे अच्छी फसल हुई। जो भी देखता था वो कहता था ऐसी फसल तो आज तक हमारे यहाँ किसी की हुई नहीं। बीज नहीं बोया, केवल हल चलाया, उसके बाद भी उनके खेत में फसल लहलहा रही थी। ये भगवान की महिमा, क्योंकि उन्होंने संतों की सेवा में पूरा बीज दे दिया, तो भगवान ने उनके खेत में स्वयं खेती की और बिना बीज के भी उन्हें फसल प्रदान की। तो एक किसान के बेटे ने भी भगवान की इतनी कृपा प्राप्त की। भगवान ने प्रकट होकर के बाजरे की रोटी का भोग लगाया, बिना बीज के भी फसल पैदा कर दी। तो आप सब किसान हो, ऐसा नहीं है कि आपको सब काम धंधा छोड़ना पड़ेगा। अब समय हो गया है, इसलिए सार रूप में आपको इतना ही कहें कि शुरुआत से मैंने कहा, घर में समृद्धि चाहते हो, क्षेत्र में समृद्धि चाहते हो, तो चार चीजें त्यागनी पड़ेंगी। क्या क्या? द्युतम यानी जुआ छोड़ना पड़ेगा। जिस घर में जुआ हो, जिस क्षेत्र में जुआ हो, उस घर का, उस क्षेत्र का विकास नहीं होता। इसलिए जिस हाथ से जुआ खेलते हो उसी हाथ से रामायण पढ़ो, उसी हाथ से जप करो। दूसरा, अगर क्षेत्र में, घर में, परिवार में समृद्धि चाहते हो, विकास चाहते हो, तो आपको शराब त्यागना पड़ेगा। तीसरा, स्त्री का, नारी का सम्मान करना पड़ेगा। कभी भी नारी को अपशब्द न कहे, नारी के साथ गाली गलौच न करे, अपनी बहन, बेटी, पत्नी के पास शराब पीकर कभी ना आए, उस घर में लक्ष्मी होगी। और चौथा, बहू में, सास ससुर में आपस में झगड़ा ना हो। जहां झगड़ा होता रहता है वहां लक्ष्मी नहीं रहती। और अंत में आप लोगों से यह निवेदन किया कि कलयुग में नाम की महिमा है, तन से चाहे भले संसार में रहो, तन चाहे भले संसार को दे दो, धन चाहे भले संसार में लगा दो, लेकिन हर काम करते हुए, खेती करते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए, भोजन बनाते हुए, करते हुए, हर काम करते हुए मन से भगवान का भजन करते रहो, मन से भगवान का जप करते रहो। ये आदत अपने जीवन में डाल। तो अब 6 बजने वाला है, यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। हम लोग अब वापस रानी घाटी जाएंगे, रानी घाटी से आए हैं। यद्यपि इस समय में समय नहीं रहता, लेकिन स्वामी जी से हमारा ऐसा प्रेम है और ये निवेदन करते हैं, महाराज आपको आना ही है, महाराज आपको आना ही है। बहुत दिनों से निवेदन कर रहे थे, तो आपके प्रेम में मैं यहाँ पर आया आप लोगों के बीच में। तो फिर मैं रानी घाटी जाऊंगा और कल फिर आएंगे, कल फिर यही 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे आप लोगों को जीवन में उपयोगी जो बातें हैं वो बातें बताई जाएंगी। तो यही पर वाणी को विराम देते हैं। कल परसों 2 दिन का समय है, तो 4 बजे से 6 बजे तक रोज शाम को हम आप लोगों को सत्संग देने आएंगे, क्योंकि रानी घाटी में भी कुछ काम है, वहाँ भी सब सेवा चल रही है, लोग आते रहते हैं और भी आसपास कार्यक्रम होते रहते हैं, इसलिए जाना पड़ेगा। फिर आएंगे, कल भी आएंगे। अब इसके पहले एक और भजन सुना कर वाणी को विराम देते हैं। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में
ग्रंथ मुनि जन धन धन
छोट सब मुनि विज्ञानी व्यास याद कवे ब्रज बखाने काव्य मुसलत गरुण से ही है और पिथेरा मायन जे के रथ कलत ललक से अपने रस पी के सुभग सिंगार मत योम देखे दल रोग भव मोरे अपेके सात मास तब दुलसी आरोप गीत हनुमान ललाके दुष्ट दल जाके बल पर रोग दोष जाके निकट न जापे अंजनी को Thank you.